तो गाइस कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आप कुछ सोच और रहे थे और हो कुछ और गया। जैसे कि हम सब ने सोचा था यार 2021 तो यार अब अच्छा ही जाएगा, चलो एक साल बेकार हो गया कोई बात नहीं, 2021 तो अच्छा जाएगा, बट ना ना ऐसा नहीं हुआ। तो यार ऐसा ही कुछ आज हम लोगों के प्रोडक्ट्स के साथ है, लेकिन ये उल्टा है, मतलब जो हम सोचते हैं उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ें या फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ये चीज़ें करती हैं। समझा आप लोगों को? तो फिर ये जो आज हम लोगों के प्रोडक्ट्स मंगाए हैं, मतलब ये ऐसा है कि यार दिखते कुछ और है लेकिन ये करते कुछ और है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, मज़ा आएगा आज। तो पहली चीज़ जो है अपनी वो ही काफ़ी मज़ेदार है। तो यार इसे जब हम ओपन करते हैं तो एक्चुअली में ये कि ये ब्रेसलेट है, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये कुछ इस तरीके का काफ़ी अच्छे मटेरियल का ब्रेसलेट है, एंड आप देखोगे तो फिर क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अब जो इसका लॉकिंग सिस्टम है वो एक्चुअली में खुद एक अलग चीज़ है। तो आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे जो इसका ये लॉकिंग सिस्टम है, ये गाइस एक नॉर्मल USB केबल में कन्वर्ट हो जाता है और इसे हम लोग नॉर्मली ब्रेसलेट की तरह तो पहन ही सकते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे इसे पहन लेता हूँ। तो ये दिखने में भी काफ़ी कूल है और ऐसे भी अच्छा लग रहा है हाथ में, एंड आपको इसके एक्स्ट्रा यूज़ तो पता ही है, तो ये काफ़ी दूसरी चीज़ में भी काम आ जाएगा हम लोगों का। प्लस सही यार, मैं एक्चुअली में इसे पहन के जा सकता हूँ बाहर, और जैसे ये बनाया है वो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि ये कहीं से भी USB केबल जैसे लगता नहीं है, ये सबसे अच्छी चीज़ है, मतलब आप इसे कहीं ना कहीं ट्राई कर ही सकते हो। और फ़ोन में इमरजेंसी आती है, जैसी बैटरी कम हुई आप लोग अपना फ़ोन लेना और किसी का पावर बैंक छीन लेना, पावर बैंक छीन लिया उसके बाद बस हम लोग ऐसे करना है और ये हम लोगों का चार्जर रेडी हो जाएगा। तो ये मैंने एक्चुअली में टाइप सी वाला मंगाया है, आप इसमें माइक्रो USB टाइप ए भी मंगा सकते हो अपने नीड्स के अकॉर्डिंग। अरे मैंने उल्टा लगा दिया। हाँ तो ये हम लोगों की चार्जिंग स्टार्ट हो गई, आप लोग देख सकते हो काफ़ी आराम से चार्जिंग चल रही है इसमें, और सही लगा मेरे को, एंड पोर्ट्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी लग रही है, तो जल्दी ये ख़राब भी नहीं होंगे। तो अपनी जो नेक्स्ट चीज़ का नाम है वो है गाइस सी किट। तो अभी हम लोग ये देखते हैं। तो ये एक्चुअली में गाइस काइंड ऑफ ट्रैकर है, तो इसके साथ ये ट्रैकर मिलता है आप लोगों को, उसके साथ एक मैनुअल मिल जाती है। अच्छा है, इसके लिए एक बैग भी दिया है। तो ठीक है, इसको हटाते हैं, अब सीधे मुद्दे पे आते हैं। ये गाइस काफ़ी स्लिम और काफ़ी बढ़िया ट्रैकर है, एक्चुअली में आपको ये पता ही नहीं चलेगा ये कोई ट्रैकर है, एक नॉर्मल आपको प्लास्टिक का कार टाइप लगेगा। तो अब बेसिकली प्ले स्टोर पर जाना है, सीकेट ऐप डाउनलोड करनी है, फिर पेयरिंग करने के लिए आप लोगों को सिर्फ 10 सेकेंड्स के लिए दबाना है। तो मैं दबा के रखता हूँ, हाँ बीप आया। तो ये अब जाके पेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। ओ आ गया है, ठीक है हमने पेयर कर लिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यार, इसने इंस्टेंटली पेयर करते ही मेरा लोकेशन बताना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, कि कहाँ पे एग्जैक्टली ये डिवाइस है, एंड उसके बाद जो इसके अलग ऑप्शंस हैं जैसे कि बज होने लगा, स्टॉप बजिंग। फिर उसके बाद आपको इसी ऐप में यहाँ पे कैमरा का बटन मिलता है, तो आप ये कैमरा का बटन यूज़ कर सकते हो फोटोज़ खींचने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हेलो ये मैं आ गया यहाँ पर, और मैं इसे जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर फ़ोटो खींच जाएगी भाई। तो ऐसे करके आप कुछ भी फोटोज़ खींच सकते हो। तो इसके बाद कैसा है कि आप इसको तो काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हो, जैसे कि अपना वॉलेट हो गया, कोई भी आप लगेज लेके जा रहे हो, फिर कीज से कनेक्ट कर दिया, लैपटॉप के साथ रख दिया, या कोई हैंडबैग में डाल दिया, सब चीज़ में ये काफ़ी आराम से जाके अटैच हो जाता है। और इतना पतला है ना, आप लोग अपने पॉकेट में भी रख लोगे या फिर वॉलेट में डालोगे कुछ पता नहीं चलने वाला है, और फिर आपको कुछ भी कहीं पर खो जाता है तो बस आपको यहाँ पर बज वाला बटन प्रेस करना है एंड वो बजने लगेगा। तो मैंने यहाँ पे रख रखा था, तो यहाँ से ओह मिल गया मेरे को। तो ऐसे करके कर सकते हो, फिर स्टॉप कर देना। और मान लो यार आपका ये ढूंढते आपका फ़ोन खो गया, तो आप मान लो मेरा फ़ोन खो गया है, यहाँ पे रख दिया मैंने, तो अब नहीं दिख रहा मेरे को, तो आपको बस इसका 2 बार बटन प्रेस करना है एंड आपका फ़ोन बजने लग जाएगा। तो आपका फ़ोन जिधर भी होगा वो भी आपको मिल जाएगा। अब ये बंद हो जा, तो यार ये फ़ोन ढूंढ के ही छोड़ेगा आपका। तो ये काफ़ी सही चीज़ है, इसी से आपको बस स्टार्ट करना और इसी से आपको रोक सकते हो आपका फ़ोन मिलने के बाद। तो ये भी एक अतरंगी थोड़ी नई टाइप की चीज़ है, एंड इसके साथ आप लोगों को इसका पैकेट आता है जिसमें आप इसे रख सकते हो काफ़ी आराम से, एंड प्लस एक होल्डर मिल जाता है, एंड जो इसका बैटरी लाइफ है वो भी यार 18 मंथ्स का है, और 1 साल की वारंटी भी आप लोगों को मिल जाती है, तो फिर ये आराम से लंबा भी चलेगा आप लोगों का। तो देख लेना अपने अपने हिसाब से, अगर आपको सही लगे तो आप ले सकते हो। तो यार जो अपनी अगली चीज़ है यार, ये भी बहुत तोड़ चीज़ है क्योंकि इसके भी काफ़ी सही फीचर्स हैं। तो ये मैंने ओपन कर लिया। तो एक्चुअली में गाइस ये एक लॉकेट है, बट ये एक ईयरफोन लॉकेट है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा है कैसा नहीं है। तो ओके ये मैं पूरा निकाल लेता हूँ, ये निकल चुका है, एंड ऐसे आप देखोगे तो ये आपको नॉर्मल वायरलेस ईयरफोन्स लगेंगे, बट एक्चुअली में इसका सारा कमाल यही है, इसका जो सेंटर पीस है ना। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ,
और इसकी डिजाइन कुछ ऐसे है कि ये एक्चुअल में ईयरफोन्स दिखते नहीं है। तो गाइस आप लोगों ने ईयरफोन्स तो नोटिस किए होंगे, बट इसमें आप लोगों ने एक चीज जो नोटिस नहीं की होगी वो है इसका एक सेंटर पीस जो यहाँ पे दो मैग्नेट्स हैं एक्चुअली में। तो यहाँ तक ही एक्चुअली में हम लोगों का पूरा लॉकेट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है जो अपने ईयरफोन्स हैं वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे। तो जैसे कि कोई भी नॉर्मल लॉकेट की तरह आप इसे दो साइड से खोल सकते हो, दोनों मैग्नेट्स हैं यहाँ पे, एंड इसे यहाँ पे आप कुछ ऐसे पहन सकते हो। तो ये मैंने नॉर्मली पहन लिया है और इसका ये जो पार्ट है ना वो ऐसे कुछ हाइड हो जाएगा। तो यार ये कुछ ऐसा लगता है लॉकेट पहनने के बाद। और ये जो इसका पेंडल है ना एक्चुअली में यही सारा कमाल करता है। तो अगर मान लो आप लोगों को ऐसे तो ये ठीक था, लेकिन आप लोगों का कुछ गाने सुनने का मन कर गया है, फिर कुछ भी करना है तो आपको पीछे ऐसे हाथ डालना है और यहाँ से आप अपने ईयरफोन्स निकाल सकते हो यार। तो फिर ये मेरे ईयरफोन्स हैं जो हिडन थे, तो वो मैं ऐसे करके कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ एंड काफ़ी आराम से ये लग जाते हैं। और जो आप अगर ये पेंडल, अगर आप इसको पेंडल को देखोगे ना तो यहाँ पे सारे बटन्स हैं जिसके थ्रू आप ऑपरेट कर सकते हो। प्लस इसमें एक साइड से माइक्रो यूएसबी चार्जिंग वाला भी पार्ट है क्योंकि आपको इसे चार्ज तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। तो अंदर एक आंटी बोल रही थी कि ब्लूटूथ चालू हो चुका है, तो अभी मैं कनेक्ट कर लेता हूँ उससे। KDM G2 लॉकेट यहाँ पे हो चुका है पेयर इससे कनेक्टेड। आंटी ने बोल दिया कनेक्टेड, तो चलो गाने सुने जाएंगे। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो। तो यार ईयरफोन्स भी मैंने टेस्ट किए, ईयरफोन्स भी ठीक है, एकदम टॉप नॉच क्वालिटी नहीं है लेकिन काम अच्छे से चल जाएगा और बेस वेस काफ़ी सही है यार। तो फिर ये आप लोगों के ईयरफोन्स हो गए और उसके बाद आप लोग जब चाहो तो उसे छुपा दो, फिर आपका ये नॉर्मल लॉकेट जैसा लगने लगेगा। तो इसमें डिफरेंट कलर्स में भी अवेलेबल है, जैसे ये सिल्वर वाला है तो फिर ऐसे ये गोल्डन में आता है। और जो उसके सेंटर में मैग्नेटिक कनेक्टर्स है ना एक्चुअली में ये एडजस्टेबल है, तो आप इन्हें ऊपर नीचे कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हो। एंड उसका बेनिफिट ये है कि आप लॉकेट का साइज़ अपने हिसाब से सेट कर पाओगे, कितना लेंथ चाहिए कितना नहीं चाहिए। तो काफ़ी सही चीज़ है, इनोवेशंस का कमाल है यार ये। तो इन लोगों ने थोड़ा दिमाग लगाया और ऐसी चीज़ बना दी। तो फिर आप लोग बताना कमेंट्स में ये आप लोग कैसा लगा। तो चलो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं अभी। ओहो, अगली चीज़ और गजब। ये चीज़ तो भाई पैसा ही पैसा आप लोगों के पास। देखो सीधे मैंने एक कंपनी के पास गया, मैंने कहा मेरे को क्रेडिट कार्ड दो, मैं कुछ नहीं दूंगा लेकिन डॉक्यूमेंट्स। तो उन्होंने कहा ठीक है ये ले लो। तो ये एक्चुअली में गाइज एक डेबिट कार्ड है, बट जिससे आप पैसे नहीं निकाल सकते लेकिन आप इसे डेटा निकाल सकते हो। तो एक्चुअली में गाइज कैसा है कि ये नॉर्मल एक आप लोगों क्रेडिट कार्ड की शेप में या डेबिट कार्ड जो भी बोलना बोलो, तो उसकी शेप में एक एक्चुअल में पेन ड्राइव है। तो जो चीज़ आपको नॉर्मल कार्ड जैसी लग रही है उसे बस आपको ऐसे थोड़ा ओपन करना है एंड यहाँ से ये पेन ड्राइव ओपन हो चुकी है। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो यहाँ से अपनी ये पेन ड्राइव आ चुकी है। ये आपको डिफरेंट साइजेस में मिल जाएंगे कार्ड, 32 GB, 16 GB, 64, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो एंड नॉर्मली ये आपको कार्ड लगेगा यार। तो जस्ट फॉर कंपैरिजन ये रहा मेरा एक्चुअल डेबिट कार्ड और ये पेन ड्राइव है। दोनों बिल्कुल सिमिलर लग रहे हैं और ऐसे दूर से दिखाओगे ना तो किसी को पता नहीं चलने वाला है। साइज भी एकदम सेम बनाया है, विड्थ भी ऑलमोस्ट सेम है। तो यार पता चलेगा नहीं कौन सा क्या है, आप किसी से भी पैसे निकाल सकते हो, किसी से भी डेटा निकाल सकते हो। तो यार ये सही चीज़ है और अपने वॉलेट में कैरी करने के लिए भी, एज इन सेफ्टी के लिए अगर कुछ डेटा रखना है तो फिर आप इसे कैरी कर सकते हो। और वॉलेट में भी कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं आता, तो वही सेम रहेगा, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, तो अच्छी चीज़ है कैरी करने के लिए। तो मैंने अपने यहाँ पे सारे कार्ड्स लगा दिए। अब इसमें से एक पेन ड्राइव है, वो सामने वाले को कभी पता नहीं चलने वाला, बट आपको पता है कि कौन सा पेन ड्राइव है तो आप पेन ड्राइव की तरह से यूज़ कर पाओगे, तो अच्छी चीज़ है। चलो अभी दूसरी चीज़। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हम लोगों की चीज़ है यार, ये भी बहुत प्यारी है एंड ये एक्चुअली में गाइस एक की चेन है। ये आप लोगों को नॉर्मल की चेन लगेगा या आप इसे भी एज अ लॉकेट यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसमें डिस्क्रिप्शन में था कि आप इसे लॉकेट की तरह भी यूज़ कर सकते हो। एंड उसके बाद जब आप इसे देखोगे तो ये एक ना गाइस नॉर्मल टॉर जैसे भी बन जाता है। तो यहाँ से इसका ये टॉप पार्ट कनेक्ट करते ही ये टॉर्च बन जाएगा और टॉर्च भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल क्योंकि इसमें 3 LED लाइट्स हैं। तो ऐसे तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा, नॉर्मल आपको लगेगा विक्स का वो रहता है ना सूंघने वाला वैसे सेम लग रही है ये, बट ये यार अपने ही इसके अलग फीचर्स हैं। तो यहाँ से टॉर्च ये काफ़ी बढ़िया और काफ़ी स्ट्रॉन्ग टॉर्च बन जाती है एंड ऑब्वियसली आप बैटरीज चेंज कर सकते हो अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ से आप नई बैटरीज भी डाल सकते हो। तो ये रहा आपका मल्टी फंक्शनल की चेन, देखने में भी बहुत अच्छा, काम का भी आ जाएगा जब भी आप जाओगे बाहर और फिर वापस आते टाइम लाइट चली गई तो फिर आपको इसी चाबी से लाइट दिखानी है और ताला खोलना है, तो फिर दोनों काम अपने एक साथ हो जाएंगे। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, थोड़ी इनोवेटिव है।
तो आप इसको भी एक बार चेकआउट कर सकते हो और इसका डिज़ाइन अच्छा लगा मेरे को। हाँ, तो इसी के साथ हम लोगों की जो वीडियो है यहाँ पे जाके समाप्त होती है। और आप लोग बताओ यार, ये जो थोड़े इस बार के थोड़ी ये जो वीडियो थी ना, थोड़ी टाइप काइंड ऑफ डिफरेंट थी, तो आप लोग बताना कि आप लोगों को ये जो वीडियो थी पर्टिकुलर वो पसंद आई। अगर आपको ऐसा ही दूसरा पार्ट चाहिए इसका, तो फिर ट्राई करेंगे बनाने का। एंड कौन सा आपका फेवरेट प्रोडक्ट था वो भी मेरे को बता देना। और जो भी प्रोडक्ट्स रहते हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में अच्छे से संभाल के प्यार से लिख देता हूँ मैं, तो फिर जाके आप चेक कर लेना। और हम लोगों का एक टेलीग्राम चैनल है जिस पे हम लोग आपको अच्छे अच्छे डील्स बताते रहते हैं, तो फिर वो भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। अगर कोई डिस्काउंट आएगा अमेजोन पर तो वहाँ पर आपको बता देंगे। भाई चलो, इस वीडियो के लिए भी फिर इतना ही रखते हैं। और थैंक यू यार, आप लोग यहाँ तक भी अगर वीडियो देख रहे हो, क्योंकि कम ही लोग यहाँ तक आ पाते हैं, तो थैंक यू सो मच आप लोग मेरी वीडियोज़ देखते हो। चलो फिर हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे। बाय। Ooh, yeah, yeah, yeah. Looking like a fool in the club, right?